अस्सलामु अलैकुम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच बॉल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल एडिशन है। तो इसको अगर हम राइट हैंड साइड से एडिशन को तो सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो कलर है, टू कलर ग्रीन और ब्लू, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम वैल्यू दे दें। इसलिए आसानी के लिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड यानी ग्रीन बॉल से शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक ही कलर है। अब यहाँ पे हम ग्रीन की अगर वन वैल्यू कम से कम लगा दें तो आंसर थ्री आता है, जबकि इधर टू है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो कि 20 आंसर आ जाए हमारे पास। इसके लिए अब पहले हम सेवन लगाते हैं, तो सेवन अगर लगा ले तो 21 आंसर आते हैं, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हम एक नंबर कम करके यानी सिक्स वैल्यू लगा लेते हैं, तो सिक्स में इसका आंसर आ जाता है 18। अब 18 भी यहाँ पे आप करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल में है वहाँ पे एक कैरी आया हुआ है, वो कैरी है टू। तो टू कैरी से अगर इसको हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर 20 आ जाता है, यानी सही आता है। तो ग्रीन हमारे पास ग्रीन की वैल्यू आ गई, वैल्यू है 6। अब हम आते हैं मिडिल में भी दोबारा से दो बॉल हैं, तो इसका आंसर लाजमी 27 आना चाहिए। 27 इसलिए क्योंकि 7 तो नीचे आएगा और 2 जो है हमें पता है कि ऊपर कैरी है, तो 27 इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन इधर पीर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि रेड और ब्लू दो कलर है, इसलिए हम इसको पहली लाइन से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन बॉल की वैल्यू पता है कि 6 है। अब यहाँ पे हमें नीचे 0 है, इसका मतलब यहाँ पर या तो 10 आएगा या फिर 20 आएगा, क्योंकि 1 और 2 तो कैरी हो जाएंगे और इधर आंसर 0 आ जाता है। तो हम पहले 10 को देखते हैं, 10 के लिए हम आएंगे तो 10 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, वो इसलिए नहीं आ सकता कि अगर हम ब्लू की वैल्यू मिडल में लगा लें और तो रेड बॉल की वैल्यू 12 आती है। 12 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एडिशन ही इस तरह नहीं बन सकता, तो इसलिए ये गलत है। इसलिए हम दोबारा आते हैं फर्स्ट लाइन पे और 20 आंसर देते हैं कि 20 में क्या होता है। 20 आंसर लाने के लिए हम ब्लू की वैल्यू 7 लगा लेंगे तो 20 आ जाता है, जिसमें 2 कैरी हो जाता है और जो 0 है वो हमारा नीचे आ जाता है। अब हम 7 की वैल्यू लगा दी ब्लू की, तो उसके बाद हम रेड की वैल्यू हम देखेंगे। रेड की वैल्यू हम 9 लगाएंगे तो हमारा आंसर 27 दुरुस्त आता है। तो इस तरह हमारा आंसर ये करेक्ट आ गया। अब एडिशन हम करेंगे तो सही आएगा। तो ब्लू की वैल्यू जो है, ब्लू की वैल्यू 7 आ गई और रेड की वैल्यू 9 आ गई। तो इस तरह आप दोबारा इसको खुद ही चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन आ गया। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं।